आज तक ये हाँ सो गाइस अभी हो रहा है लंच टाइम और क्या हुआ आज ये पैटीज लेके आए हैं चिकट्टों ने परेशान कर दिया। चिकट्टों ने इतना परेशान किया ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह से मुझे चिकट्टो खा गया, ऐसा चिल्ला रहा, उसे खाना दिया, उसके बाद चिकट्टो खाने में लगा है। चिकट्टो उसका इतना प्यारा नाम है तो मैंने उसका वाला नाम रख दिया है। तो अब हम लोग खाना खा रहे हैं कुछ और उसके कुछ खाना खाते हैं, मतलब लंच करते हैं और उसके बाद फिर ये चिकट्टो को भाई देखो परेशान कर रहा है। ये दो ये बड़ी चिकट्टो भी हल्ला कर रही है, अभी कुछ काम करने में लगी है। और कुछ कपड़े थे मैंने धोए तो यहाँ के जो कवर्स थे मैंने निकाले हैं और उनको चढ़ाने हैं दोबारा, दूसरे चढ़ाऊंगी मैं, टाइम नहीं मिला। बंदूक ये बंदूक मेरी लैला। तो चलिए हम लोग ये खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ और ब्लॉग है। और फिर मेरे पास जाना भी है, कहाँ जाना है बीबी? संजू देखने जा रहे हैं हम लोग। बनारस वाले, संजू महाराज बनारस वाले। तो चलिए जल्दी से खाते हैं उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। हाय, हाय बोनी, आले मेरे बोनी। अरे सो गाइस गूगल जो है वो हल्ला कर रहा है, उसे बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। मैं तो यार भी होना, उससे पहले मैं सोच रही हूँ एक कप चाय पी लूँ। मेरा सर थोड़ा सा दुख रहा है आज, मेरे को लग रहा है सोना है मुझे, बट मूवी देखने जाना है, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। हाँ मैं भी निकाल रही हूँ उसे, उसका खाना बनाना पड़ेगा। चले मेरा प्यारा वाला बच्चा है, चलोगी? चले ये अभी सो के उठा है, गुड मॉर्निंग हुई है इसकी, है ना? वही बेबी उठ गई है, गोभी बेबी उठ गई है। हाँ 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 बेबी हाँ, ये उठ गया है। मैं एक चाय बनाती हूँ, देख मेरी हालत क्या हो रही है, और मूवी देखनी है रात का शो, मेरे को लग रहा है वहीं ना सो जाऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। मेरे को सो रहा था शाम को, मैंने राजा से बोला कि राजा मैं सो जाऊँगी, और फिर क्या हुआ नींद नहीं लगी मेरी, नींद नहीं लगती है शाम को तो नींद लगी भी नहीं। तो इनको मैं खाना देती हूँ, इनको थोड़ा घूमने देती हूँ। नहीं काटो, ये ना बहुत कटेला है, ये काटता है बोझों को। भैया प्यारे हैं बहुत, ठीक है भैया है बहुत ही ज़्यादा प्यारे, और आप भी प्यारे बच्चे की तरह रहो, भैया को नहीं काटते, ठीक है? बोगू को नहीं काटोगे, गोगो मेरे चिकट्टो, चिकट्टो चिकट्टो। सीरियसली एक स्ट्रॉन्ग चाय की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता है, एक स्ट्रॉन्ग सीरियसली एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि मैं पिक्चर में कैसे बैठूंगी। इतनी नींद आ रही है मुझे कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, जिसका कोई वो नहीं है। तो मैं तैयार भी ऐसे ही होंगी, पिक्चर देखने रात का शो है, टाइम नहीं मिलता है इन्हें, इसलिए रात का हो जाता है। और देखिए नेल पेंट, मैं कल शादी में गई थी और नेल पेंट चेंज तब भी नहीं हो पाई मेरी, और देखती हूँ बैठे बैठे कर पाती हूँ या नहीं। सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार मूवी डेट के लिए, चाय पी ली थी मैंने और थोड़ी सी जो नींद है वो खुली है, स्ट्रॉन्ग टी पी आज। तो चलिए चलते हैं मूवी डेट के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है ना बेबी, जल्दी जल्दी चलो। और क्योंकि टिकट है जो हम लोगों को वो पेमेंट करनी है उसकी, हमने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की थी क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि हमें कितने बजे वाला शो जाना है, और फिर एकदम लेट नाइट किया, उसके बाद भी हम लोग जो हैं वो लेट हो गए हैं। चलो मैं एक कॉम और ये लिपस्टिक लेके जा रही हूँ, ये लिपस्टिक मैंने लगाई है, ये है हिप्नोटिक रोज बेला वोस्टा की। आजा देखिए फोटो अपडेट करने वाले हैं, चलो ये सी बंदे ना। हम लोग पहुंच गए हैं और जो पार्किंग है वो बाहर ही फुल पड़ी है, हर जगह खुली फुल पड़ी है, तो हम लोग यहाँ लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ से उन्होंने बंद ही कर दिया पार्किंग, पता नहीं कैसे लगी। हाँ ऐसे लगा लो और आगे करके,
सो चलिए चलते हैं, देखते हैं मूवी। बहुत अच्छा, मतलब रिव्यू तो बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे आज, लोगों को पसंद आई है। चलिए देखते हैं क्या कैसा रहा। मुझे पानी पीना है पहले। गाइस कल हम लोग मूवी देख के आए थे और उसके बाद फिर इतनी थकान हो गई थी, क्योंकि लेट नाइट शो था, तो सो गए और फिर मैं उठी हूँ। और फिर हम लोग जो थे, पता है वो 5 बजे सोए हैं सुबह। हाँ, तो क्योंकि 3:30 बजे जो शो था वो ओवर हुआ है। और कारण ये था कि 10:55 का शो था, 11:30 बजे शुरू हुआ है वो, क्योंकि जो पहले वाला शो था वो लेट हो गया था। उसके बाद जो इंटरवल था वो भी बहुत लंबा था और हाउसफुल था, मतलब एक सीट भी खाली नहीं थी। पिक्चर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपको जाके एक बार देखनी चाहिए। मेरे को बहुत अच्छी लगी पिक्चर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो वो हुआ, फिर लेट आए तो फिर ब्लॉग तो मैंने किया नहीं आके, और फिर लेट ही थोड़ा सा उठे। और अब मैं डायरेक्टली सोच रही हूँ कि लंच बना लूँ, तो मैंने छोले भिगोए थे आके, मैं लंच बनाऊँगी। और थोड़े से कपड़े वगैरह पड़े हैं वो ही मैं वॉश कर रही हूँ। गाइस आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे जो हाउस हेल्प आती है वो आती है या नहीं आती, तो वो आती है क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो वो बर्तन वर्तन अभी करके गई है, आज थोड़ा लेट ही मिलाती हूँ, संडे को थोड़ा लेट हो जाते हैं। सो मैंने छोले चढ़ा दिए हैं बॉयल कर, जो सो मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे चावल चढ़ा दिए, पानी गर्म किया है मैंने, क्योंकि मैं हल्का सा गुनगुने पानी में नींबू डाल भी लूँगी। और ये भी लेंगे हम थोड़ा सा, ये जो चीज़ है वो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, लिटरली एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो वो जो चीज़ है वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए मैं जल्दी से जो पानी मैंने गर्म किया है, यहाँ पर मैंने पानी गर्म करके रखा हुआ, वो और नींबू डाल के लेके जाती हूँ। तो वैसे मॉर्निंग टी होती है, ये मॉर्निंग लेमन हॉट वाटर है, तो ये मैं दे के आती हूँ इन्हें भी और खुद भी। और उसके बाद मैं घूम ही रही हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं वहाँ पे, और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं यहाँ पे, साथ साथ मैं हॉल का काम भी कर रही हूँ। हॉल थोड़ा सा फैला हुआ है तो वो क्लीन कर रही हूँ, खाना बन रहा है, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल बैठने का टाइम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो थोड़ी वॉकिंग है वो मेरी हो जाएगी। सो ये है मेरा लेमन वाटर, ये वाटर है, इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ और ये बन जाएगा लेमन वाटर। ऐसा बनानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें अगर राज रहे तो अच्छा ही है, मतलब कुछ बातें आपने छुपा के रखी है। तो जो छोले हैं वो मैं फटाफट क्या बोलते हैं तड़का लगा देती हूँ उनमें। तो मैंने लहसुन प्याज हरी मिर्ची और अदरक पीस के रखी है एक साथ, कहाँ गया मेरे वो पिसा हुआ जार में। और अब मैं जल्दी से जो तड़का है वो लगाती हूँ। जो खाना है लंच वो सर्व करके लेके जाती हूँ, और जो संडे लंच है वो बन चुका है। अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है। और वो जो गोचू है वो हल्ला कर रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, मतलब हमारा जो चिकट्टो है, बड़े चिकट्टो जो है वो सो रही है, उसको मैं लेके आऊँगी। आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं बोजो को, तो बोजो को मैं शाम को लेके आती हूँ, थोड़ा सा वो उठ जाए, अभी सो रहा है वो। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं खाना जो है वो लेके जाती हूँ, और फिर हम जो है और फिर हम आगे का जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस हम लोगों ने लंच था वो कर लिया है, और उसके बाद फिर मुझे कुछ कप्स वगैरह लाने थे, चाय पत्ती लानी थी, कुछ सामान था जो लाना था। तो मेनली जो पर्पस था वो था कप्स का, तो मुझे कप्स लेने जाना है। तो मैं जा रही हूँ विशाल, मग्स हाँ, तो मैं जा रही हूँ विशाल, क्योंकि 2 बचे थे और बहुत सारे रखे हैं, बहुत सारे, बट वो यूज़ नहीं होते, तो मेरा मन नहीं करता, मेरे को लगा कुछ नए लाते हैं और उन्हें रिप्लेस करते हैं, तो उन्हें मैं अलग करूँगी, और जो है नए कप वहाँ पे अरेंज करूँगी। तो मेरे को लगा चलो कप शॉपिंग भी चलते हैं, 2 हम रेगुलरली मग यू सो वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो 2 थे, उसमें से मेड ने एक तोड़ भी दिया, तो फिर मेरे को लगा अब तो पक्का जाना पड़ेगा यार। तो चले चले और जो बोगी है उसने खाना खा लिया, वो सो गया है। गोगी जो है उस खा लिया है, वो भी स्लीपिंग मुद्रा में है, आप देख सकते हैं सो रहा है, हाँ इसे भी नींद आ रही है, देखिए ये गया।
ये गया 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 सोने आगे बंद हो रही है, खा पी के लुढ़क गए। सोच रही चलते हैं, दोनों के कैमरे लगा दिए ना, सो दोनों के रूम में कैमरे लगे हुए हैं। एक को मैं देखती रहती हूँ बोगो को, और गोगो को राजा। देखिए नाम भी क्या हो गया, चिकट्टो चिकट्टो। और पता है आप, इतने सारे बिल्ली के बच्चे आ गए हैं। अभी हमने भगाए बिल्ली और बिल्ली के बच्चे, क्योंकि अगर घर में घुस गए तो वो इससे बहुत बड़े हैं और इसके लिए सही में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सारी खिड़कियाँ वगैरह चेक करी, कहीं से ना आ जाए। जैसे ऊपर के घर में टेंशन इतनी नहीं है जितनी नीचे के घर में। नीचे तो खिड़की की जो जाली है ना, उसे तक खोल लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं और आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। इसकी एक लाइट चल रही है, बोझू की चल रही है। चलिए, ये लिपस्टिक मैंने लगाई है न्यूड, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको न्यूड लगानी चाहिए, बहुत टाइम भी हो गया था रेड के अलावा कुछ लगाए हुए। चले क्या बता रहे हैं, मंकू। चलिए, तो कपड़े जो है वो सेमी धुल रहे हैं, आधे धुल के सूख गए हैं, आधे जो हैं वो ड्रायर में हैं, आधे जो हैं वो वॉश के लिए ही हैं। तो बस चल रहा है काम। एक बार मैं यहाँ से गिरी थी, याद है आप लोगों को, बहुत गंदा है। तो नहीं गई तो चलिए। आपको हाउस टूर चाहिए, होम टूर चाहिए ना, तो मैं राजा एक दिन शूट करा दो ना होम टूर, तो मैं करती हूँ। राजा को कराना पड़ेगा हेल्प, क्योंकि नीचे से शुरुआत होगी, ऐसे जाते जाते फिर ऊपर जाएंगे, फिर बीच के रूम में जाएंगे, और फिर सबसे ऊपर मेरे हम लोग के पोर्शन में जाएंगे। हाँ तो चलिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किराए के घर में रहते हो। नहीं, हम लोग का खुद का घर है, तो ये पोर्शन जो है नीचे का, ये जब मम्मी पापा आते तब हम लोग खोलते हैं, क्योंकि हम इतना दो लोग यूज़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए। बाप रे यार, स्ट्रीट लाइट नहीं हो रही क्या? ठीक, स्ट्रीट लाइट के लिए फ़ोन नहीं किया क्या? चलिए घूम रही हूँ मैं। एक हमारे पास में एक और कुत्ता भी है जो बहुत हल्ला करता है, बहुत हल्ला करता है, मतलब लिटरली बहुत हल्ला करता है। और देखिए हल्ला कर रहा है, अभी भी हल्ला कर रहा है। सो गाइस चलिए चलते हैं। विशाल करती हूँ मैं वहाँ पे जाके शॉपिंग, और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। है बेबी, हम लोग जा रहे हैं विशाल, और उसके बाद ही मैं आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया। वहाँ पे कुछ अच्छे अगर सामान मिलता है मुझे, कुछ नाइट सूट वगैरह लेने मेरे ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, तो वो भी मैं ले लूँगी। देखते हैं, नाइटीज़ भी लेनी है, आपको पता है मेरे को नाइटीज़ बहुत पसंद है ना बेबी। सो गाइस जो शॉपिंग है वो हो गई है, सामान तो सारा ले लिया, मैं गई थोड़ा सामान लेने थी और आया बहुत सारा सामान है। एक सेकंड फोकस हो रहा। सो गाइस देखिए क्या आया है, ये बहुत बड़ा चॉकलेट पान। चॉकलेट पान खाओ ही कैसे, इसमें वो है बीच में। मुझे ये तो घबरा गई। सो गाइस हम लोग अभी आए हैं, बोजो वॉक पे गया है, उसकी जो वॉक रहती है उसके लिए। ये जो मुन्नी है ना, और ये जो मुन्नी है मेरा पैर खा रही तब से, है ना? पैर खा रही ना तुम? तुम पैर खा रही हो बेबी, तुम पैर क्यों खा रही हो? मेरे हाय कर दो, हाय कर दो, सबको हाय कर लो प्लीज एक बार। आई हाय नहीं करोगी क्या? It's so cute. मेरा चिकट्टा बड़ा प्यारा है।
जाच कट्टो सो मैं बोजो को बुलाती हूँ, बोजो भी घूम के आया, थक जाता है वो घूम के आता है। सो मैं आपको अब सामान दिखाती हूँ, मैं ट्राईपॉड प्लेस करती हूँ। ये देखिए मेरी सैंडल, वो इतनी जैसे पता है इसे मैं छोड़ा था पर वो मेरी सैंडल काटने में लगा है ना। ए ये देखिए इसकी पहले यहाँ बोन्स दिखती थी और वो बोन्स नहीं है, वो बोन्स खत्म हो गया ना। इसे डब्बे में डालो, वो तो खुला है। तो थक के आया है, ये वॉक पे गए थे, रेगुलर वॉक करा रहे हैं हम लोग क्योंकि इसका थोड़ा वेट पुट ऑन हो रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी, तो रेगुलर सुबह शाम वॉक पे जा रहा है। मुंह को दिखा लो अपना छोनो, मैं इतना क्यूट ही हूँ, मेरे को देख के छब ललकियाँ फिदा हो जाती है, मुझे देख के कौन कौन फिदा है ये बताओ। गर्मी है ना, पानी पिया इसने राजा, पानी पीना बेबी। इसके आँख के ऊपर कुछ पानी पीना है, पानी पिलाना भी। मेरी बच्ची है। हाँ तो आप लोग इसे बहुत मिस कर रहे थे, मेरे पास आ रही थी मतलब कमेंट्स आ रहे थे कि बोजो का है उसे इग्नोर कर रहे हो। मैं उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही, सच में बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही। बात ये थका रहता है, सोता रहता है ज़्यादातर पहले भी, अभी बीच में क्या है वो गर्मी के कारण थोड़ी सी एक्टिविटीज़ थी ना जो वो थोड़ी सी कम हो गई थी, बट अभी थोड़ा आज कल से अलर्ट है। नहीं कल से थोड़ा अलर्ट है, आज बिल्लियां आई थी शाम को बिल्लियों का अलर्ट था वो वो तो अलर्ट रहता ही है सब। सो चलिए मैं आपको एक एक करके जो सामान है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये एक इनका बनियान का सेट लिया है मैंने, तो ये है 199 में आई थिंक 3 से, तो ये लिया है। उसके बाद मैक्सिम जो काम है सामान है वो है खाने पीने का, ये लिटिल हार्ट के पैकेट है तो जो हम दोनों को पसंद है, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन की पसंद है जो अभी तक नहीं गई। उसके बाद ये नाइस के कोकोनट और शुगर के बिस्किट आते हैं, मुझे चाय के साथ ना कोकोनट के बिस्किट डिप करके खाना बहुत पसंद है और नाइस के बहुत अच्छे आते हैं बिस्किट, ब्रिटानिया में भी आते हैं, बहुत टेस्टी बिस्किट आते हैं। उसके बाद फिर ये एक बिस्किट लिया है, ये है डार्क फैंटेसी चोको फिल्स, फिर एक हाइड एंड सीक, ये सब राजा के पसंद के हैं, ये भी डार्क फैंटेसी चोको फिल। उसके बाद ये इक्लेयर्स डेली ये एक रात में खाते हैं, खाने के बाद इनका एक वो है कि खाते हैं, तो बिस्किट बहुत सारे हैं। ये है बर्बन, बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसकी क्वालिटी पहले अलग थी। उसके बाद फिर एक हाइड एंड सीक लिया है, और फिर मुझे एक चाय पत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी, मैं इस बार राशन देने नहीं गई और क्या था मेरा पूरा राशन ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर मेरे को लगा यार थोड़ा थोड़ा ले आता है, तो जो बीच में ख़त्म हो रहा है मैं वो ला रही हूँ। मेरा पूरा जो राशन है वो एज इट इज रखा हुआ है, तो जो चीज़ें लगती रहेंगी वो करूँगी। उसके बाद फिर मैं ये पेंटी का सेट लेके आई हूँ, और फिर पता नहीं उन्हें कैसे भी डाल कर दिया। राजा और सामान कहाँ है, 3 थे यार वो। उसके बाद ये कुरकुरे का मेरे को अच्छा था, चिल्ली छक्का, जैसे कुरकुरे बहुत हेल्दी नहीं होते, मैं बहुत टाइम बाद आई, सालों बाद खा रही कुरकुरे। उसके बाद ये हल्दीराम का नींबू मसाला, ये बहुत अच्छी नमकीन है, राजा को पसंद है, मुझे भी पसंद है। उसके बाद ये फिर एक बर्बन, बापरे बिस्किट बहुत सारे ले आया। उसके बाद ये सब राजा ने लिया है, ये ऑल इन वन मिक्स है हल्दीराम का। फिर ये है नवरत्न मिक्स, राजा सब रखा हो ना, ये रखा हो, ये अपनी वहां पे रखा हो ना जहाँ पे सामान रखते हैं। हाँ धो लो, हाँ फिर मैं एक टी शर्ट लेके आई हूँ, ये एक व्हाइट, मुझे जो व्हाइट कलर बहुत अच्छा होता है गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो घर में पहनने के लिए लाई हूँ। उसके बाद ये नाइटी सेट लेके आई हूँ, इसमें एक अंदर की नाइटी है ये, और उसके ऊपर वो एक बांधने वाला भी है, कलर बहुत प्यारा था तो मुझे लगा मुझे लेनी चाहिए, इसे मैं पहनूंगी, आपको बहुत जल्द दिख जाऊंगी किसी ब्लॉग में। हूँ ये क्यूट सा पिकल है, ये मिक्स पिकल है, तो ये लेके आएंगे, तो ये पन्नी अभी राजा लेके जाएंगे थैली। उसके बाद फिर ये वाला सामान आता है, हाँ ये मेरे चाय वाले राजा के मीठे बिस्किट। उसके बाद फिर हम कितने लाए, कब
सेवन हाँ, उसके हम सेवन कप्स लेके आए हैं, तो इसमें फोल्डेड है, तो अलग अलग कलर में इन्हें मैं जाके अभी जमा रही हूँ। तो ये हैं कॉफी मग्स, मिल्क मग लगते रहते हैं, और मैं सीरियसली शॉर्टेज पे थी, आपको बहुत सारे दिखते हैं वो, और वो क्या है बहुत पुराने हो गए, तो मुझे लग रहा है उन्हें निकाल देती हूँ मैं, इसलिए मेरे को लगा न्यू स्टॉक ले आना चाहिए, तो टोटल ये सेवन लेके आए हैं। गलत फहमी है, इसमें सात हैं, तो ये सेवन इन्हें मैं जाके अभी लगाऊंगी। तो ये अलग अलग कलर में है कॉफी मग है, तो ये लेके आए हैं पिक बाजार से, तो मैं आपको सेपरेटली एक एक ही दिखाऊंगी, आप रसोई में देख लेंगे बहुत जल्द। उसके बाद फिर हम लोग के पास पता है जो ग्लासेस है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हो गए, और आप वाइन ग्लासेस बोल लीजिए, जूस ग्लासेस बोल लीजिए, या विस्की ग्लासेस बोल लीजिए, वो बहुत सारे हैं। बट राजा को जो है ना वो कलेक्ट करने की एक बोलते ना हैबिट होती है, तो मेरा वो जो एरिया है वो फिल है। राजा कहाँ जाएंगे यार, मेरा वहां का एरिया फिल है, वो फ्रिज के ऊपर वाले सेक्शन में रखना इन्हें। तो इन्हें ये पसंद आए थे, ये काफी अच्छे हैं, बड़े बड़े, तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, तो ये लेके आए हैं। ये सिक्स का एक सेट है जो ये लाए हैं, तो ये हाँ ये मैं भी आ रही हूँ, मैं भी कप्स हटा दे, पुराने कुछ है ही नहीं, मैं वो कप्स वाला सेक्शन है ना वो खाली करना है, ये ले जाओ आप फिर। हाँ, उसके बाद राजा एक टी शर्ट भी लेके आया था, तो राजा एक टी शर्ट लेके आया, इन्हें मिला नहीं कुछ भी, मतलब कोई समझ में नहीं आई, तो इन्हें एक ही टी शर्ट लेके आए हैं। तो मैंने भी अपने लिए एक टी शर्ट और एक नाइटी खरीदी और एक आपको दिखाया था। उसके बाद फिर ये आलू प्याज जो है वो मुझे चाहिए थे, वो खत्म हो गए थे घर में, तो ये मैंने ऑब्वियसली मार्केट से खरीदा। फिर मैं ये बाल्टी लेके आई हूँ, एक छोटी सी क्यूट सी बाल्टी है, तो मुझे लगा ये बाल्टी लेनी चाहिए, तो ये बाल्टी विशाल से ही लाई हूँ मैं। और फिर मैं लाई हूँ ये फर्स्ट क्रॉप का की मिक्स दाल, मिक्स दाल मुझे बहुत हाँ, तो ऐसे तो जो मिक्स दाल रहती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है बनाने के बाद, जैसे आप रोटी के साथ चावल के साथ एक सब्जी बनाइए और खाइए, बहुत अच्छी हेल्दी रहती है। तो ये मिक्स दाल लाई हूँ मैं, मेरे पास थी नहीं, मैं पतंजलि की यूज़ करती थी, तो मुझे पतंजलि की भी मिलती नहीं है आजकल, पूछती रहती, पतंजलि की बहुत अच्छी दाल थी मिक्स आती है जो, तो मिलती नहीं आजकल, तो फिर ये थी दिक्कत। उसके बाद फिर मैं 1 kg शुगर लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को फिर से गुलाब जामुन बनाने हैं, तो शुगर रखी है चाय वगैरह के लिए, पर मेरे को लगा थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेनी चाहिए क्योंकि ख़त्म ही होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं ये सैनी फ्रेश बाथरूम क्लीनर लाई हूँ, इसके साथ एक ओडोनिल भी फ्री था, और ये 2 का पैक था, तो फिर ले लिया। उसके बाद फिर ये मैं विम बार के 3 लेके आई हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है और बर्तनों के लिए। उसके बाद फिर मैं लाई हूँ ये ईजी क्लीन का फ्लोर क्लीनर, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये जो छोटू है ना हाँ, ये पी कर दे रहा है, और ये इसे बाहर लेके जा ही सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फिनाइल है ना जो घर की, वो यूज़ हो रही है, मतलब बार बार फिनाइल यूज़ हो रही है, तो फिर मेरे को लगा यार मेरे को पैक लाना पड़ेगा, तो मैं ये पैक लेके आ गई। ये तो मुझसे कह रहे थे वो 500 कितने 100 ml की थी राजा, वो 500 इतना बड़ा था, 220 की, वो ले लो। मैंने बोला यार निकालना बहुत दिक्कत है उसमें से, वरना ले लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पी कर रहा है, और आपको पता है जब छोटा पप्पी रहता है ना तो वो करता है, जैसे बोजो का बाहर का सिस्टम है, इसका यहाँ का सिस्टम है फिलहाल। और ये बकेट है, और ये पूरा सामान है जो हम लेके आए हैं विशाल से। तो मेरे को लगा ब्लॉग, तो मुझे लगता है कि ब्लॉग एंड करने से पहले ये नाइटी पहन के दिखा दी जाए, ताकि आपको पता चले कि जो नाइटी, मेरे को पता सबसे अच्छा जो है ना ये प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था इसका, ये वाला। सो गाइस फाइनली चेंज कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कपड़ा है, और अच्छी लग रही है फ्लावरी। ये है इसका ओवरकोट, आप जो भी बोलते, तो ये है इस नाइटी का ओवरकोट, मैं तो इसे ओवरकोट ही बोलती हूँ। तो ये नाइटी बहुत ही अच्छी लग रही है, और ये मेरी नाइटी के पीछे पड़ गए हैं आधे साथ ही, ये लगे हुए हैं। सो गाइस अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग में क्या क्या नहीं आ गया है, सब कुछ आ गया है, आई थिंक मूवी डेट, फिर लंच, फिर सब कुछ। तो अब मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग प्रॉपरली डन है, शॉपिंग भी आ गई, शॉपिंग दिखा भी दी, तो आज का जो ब्लॉग है वो प्रॉपरली डन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए बाय। क्यों क्यों घुम्मी हो रही है, बस घुम्मी हो रही है इनकी, इनके बस घुम्मी हो रही है। क्या हुआ भैया? अभी बोलो भैया खाना खाएंगे, तुम्हारा खाना अभी देख, अभी मैं से खाना देखे गई हूँ, उसके बाद भी सभी खाना है, तो पहले बोझो खिला दें, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। तो चलिए बाय, लव यू ऑल।